हेलो डियर इंजीनियर्स, फुटिंग कॉलम और बीम की ड्राइंग रीडिंग के बाद आज मैं लेकर आया हूं वीडियो स्लैब की ड्राइंग रीडिंग के बारे में। और अभी तक आपने ड्राइंग्स और ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। देखिए इंजीनियर, स्लैब एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसमें कि इंजीनियर्स कंफ्यूज भी होते हैं, वन वे और टू वे उसके बारे में भी जानकारी लेंगे, और उसकी ड्राइंग्स को कैसे पढ़ा जाता है उसके बारे में भी सारी जानकारी आज हम इस वीडियो पर लेने वाले हैं। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर आकाश बोर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म सिविल गुरुजी पर, जहां पर हम बात करते हैं सिविल इंजीनियर्स के बारे में, उनको आगे बढ़ाने के बारे में, यानी कि आपके बारे में। वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसे कि मैं हर बार कहता हूं कि 3D मॉडल ट्रेनिंग इंटरफेस, ये न्यू टेक्नोलॉजी सिविल गुरुजी लेकर आया है आपके लिए, जिसमें कि आप फोन पर ही घर बैठे पूरे चीज को, पूरे मॉडल्स को एक्सपीरियंस कर सकते हो कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस के पार्ट में। तो ये 3D मॉडल ट्रेनिंग इंटरफेस का फायदा जरूर उठाइए और एक बार कॉल जरूर करिए 9111001234 पर कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस की जानकारी के लिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमको स्लैब के लिए भी हमेशा कोई भी स्ट्रक्चरल ड्राइंग हो, भाई जनरल नोट्स में हर वीडियो में कहा है मैंने, जनरल नोट्स पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये सारे पॉइंट्स मैंने फुटिंग और कॉलम में पढ़ा चुके हैं, तो वहां जाकर पढ़ लीजिएगा। अब जो स्लैब के लिए सबसे पहली चीज हमको देखनी है, दैट इज कवर। तो जनरल नोट्स में हमको स्लैब के लिए मिल गया कवर, दैट इज 15 mm का भैया कवर मिल गया यहां से। तो सबसे पहले हमने कवर की वैल्यू निकाल ली। फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो हमको देखना है, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट M25 इन बीम एंड स्लैब। तो M25 का हमारा भैया कॉन्क्रीट का ग्रेड लगेगा, ये जनरल नोट से हमने पता कर लिया। तो दो चीज हमको बस स्लैब के केस में चाहिए है, स्लैब का कवर और कौन से ग्रेड का कॉन्क्रीट लगने वाला है, ये आपको यहां से देख लेना है। क्लियर है? जनरल नोट्स के बाद नेक्स्ट चलते हैं हम स्लैब के प्लान को रीड आउट करने। तो सेम प्रोजेक्ट जो हमने लिया था 40 फीट बाय 30 फीट का हमारा प्रोजेक्ट है, स्लैब के प्लान को रीड करने में दो ही चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि टाइप ऑफ स्लैब, स्लैब कौन से टाइप का, जैसे कि देखिए S2, 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 ठीक है, यहां पर भी S2 और यहां पर भी S2 और यहां पर बस है एक S1। तो किस टाइप का स्लैब है सबसे पहले आपको वो देख लेना है। उसके बाद आपको देखना है कि यहां पर देखिए दो डायरेक्शन पर रेनफोर्समेंट दिखती है, देखिए ऐसा कुछ इस तरह से सिंबल बना हुआ है ऐसा, ठीक है, उसके बाद कुछ इस तरह से सिंबल बना हुआ है। अगर ये दोनों डायरेक्शन में है, दैट इज जो ये शो करता है टू वे, ठीक है, टू वे शो करता है। और अगर देखिए सिर्फ एक डायरेक्शन पर S1, सिर्फ सिंगल डायरेक्शन पर, तो ये शो करता है वन वे। तो सबसे पहले तो यहीं से समझ लीजिए, ठीक है, कि वन वे की टू वे। उसके बाद आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर निकालनी है कि स्लैब का स्पान कितना कितना है। ये स्लैब का स्पान आपको ड्रॉइंग पर भी दिया जा सकता है, या फिर उसी के साथ साथ जो आपका फ्लोरिंग या फिर बीम टू बीम की ड्रॉइंग होगी वहां से आपको स्लैब की एक्चुअल लेंथ निकालनी है कि भैया इसका क्लियर डिस्टेंस कितना है स्लैब का, आपको ये निकालना सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे आप किसी भी ड्रॉइंग से देखकर निकालिए, क्योंकि इसमें स्लैब का डिस्टेंस नहीं दिया रहेगा। क्लियर? तो जैसे ही आपके पास टाइप ऑफ स्लैब पता चल जाता है, उसके बाद हमको समझते हैं कि आइडेंटिफाई किस तरह से किया जाता है एग्जाम्पल की हेल्प से। ठीक है, सबसे पहले देखिए एक मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसका एक साइड है 2 मीटर और एक साइड है 5 मीटर। ठीक है, अब जो स्लैब का टाइप पता करने का फॉर्मूला है वो है लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान। अगर इसकी वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा होती है तो ये कहलाएगा वन वे स्लैब। चलिए आइए एग्जांपल देख लेते हैं। 5 by 2, दैट इज 2.5, जो कि 2 से बड़ी है, इसका मतलब एक कौन सा स्लैब होगा हमारा, वन वे स्लैब होगा, ये क्लियर मान लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं भाई कि हमारा एक और साइड है 3 मीटर का और दूसरा अगेन 5 मीटर का है। सेम फॉर्मूला, लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान की वैल्यू अगर 2 से छोटी होती है तो 5 by 3, दैट इज 1.66, तो 2 से छोटी है तो ये कौन सा हो गया हमारा, टू वे स्लैब। तो यहां से आप इस फॉर्मूले की हेल्प से, ये एक फॉर्मूला और इस फॉर्मूले की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा वन वे है और कौन सा टू वे है। अब यहां पर एक कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है कि सर अगर इक्वल टू 2, यानी कि 2 से बराबर, 2 से बड़ा हुआ तो वन वे स्लैब क्लियर है, 2 से छोटा हुआ तो टू वे स्लैब क्लियर है, लेकिन इक्वल टू 2 हुआ तो उसको वन वे स्लैब में लेना है कि टू वे स्लैब में भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं, आप उसको वन वे भी देख सकते हैं या फिर टू वे भी ले सकते हैं। आप ये कैसे लेते हैं, अगर जहां पर छोटे छोटे प्रोजेक्ट है, हाउसिंग प्रोजेक्ट है, छोटे प्रोजेक्ट है, वहां पर
इक्वल टू टू को वन वे स्लैब ले लिया जाता है, क्योंकि वहां पर उतना ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हमको नहीं खेलना पड़ता। लेकिन जितने भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो हैवी स्ट्रक्चर्स होते हैं, हैवी ड्यूटी स्ट्रक्चर्स होते हैं, वहां पर इक्वल टू टू को टू वे स्लैब लिया जाता है, जो कि स्ट्रक्चरल डिजाइनर वो जैसा डिजाइन करे वो आपको ड्रॉइंग के प्लान में बता देगा, वो उस तरह से आपको लेना। लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है स्लैब के पार्ट में। अगेन रीड स्टील डिटेल्स फॉर ऑफ स्लैब। अब भैया जैसे हमने पढ़ लिया स्लैब में, हमने सबसे पहले प्लान देख लिया, उसके बाद वन वे टू वे के उसका टाइप देख लिया, अब हमको देखना है उसके स्टील डिटेल्स, जो कि स्लैब के लिए बहुत आसान है समझना, बीम जैसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। स्लैब डिटेल्स, सबसे पहला स्लैब नंबर, जैसे S1 S2 दो टाइप के स्लैब है। स्लैब की थिकनेस 5 इंच 5 इंच, यानी कि 125 mm हमारी स्लैब की थिकनेस हो गई। क्लियर। शॉर्ट स्पान, यानी कि जो मैंने आपको कहा था कि भैया स्लैब का डिस्टेंस पता कर लीजिए, उनके स्पान यानी कि शॉर्टर स्पान कौन सा है, लॉन्गर स्पान कौन सा है। तो हमेशा स्लैब में सबसे पहले रेनफोर्समेंट शॉर्टर स्पान पर ही बिछेगी, उसके जो भी शॉर्टर स्पान होगा। एग्जाम्पल के तौर पर दिखाऊं आपको, तो ये देखिए जैसे वन वे स्लैब, इसका शॉर्टर स्पान, तो सबसे पहले मेन रेनफोर्समेंट ऐसे बिछेगी इस तरह से, समझ में आया। ये इसका शॉर्टर स्पान टू वे स्लैब का, तो इसमें सबसे पहले मेन रेनफोर्समेंट ऐसे बिछेगी अलॉन्ग शॉर्टर स्पान, ठीक है, इस तरह से अलॉन्ग शॉर्टर स्पान। तो यही चीज आपको ध्यान देनी है जब भी आप स्लैब के बारे में सारी जानकारी लेते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं सेम शॉर्टर स्पान, जिसमें कि देखिए 10 5 @6 6 इंच सेंटर टू सेंटर, यानी कि 10 mm डाया का बार 6 इंच सेंटर टू सेंटर की स्पेसिंग में लगा, यानी कि 150 mm के स्पेसिंग पर इसको लगाया गया है शॉर्टर स्पान में S1 में। और सेम S2 की बात करें तो 10 5, फिर से यहां पर 10 mm डाया का बार, फिर से 150 की स्पेसिंग में लगाया गया। अब बात करते हैं लॉन्गर स्पान, अगर भैया लॉन्गर स्पान पर लगा हुआ है तो वन वे स्लैब, ये S1 हो रहा था वन वे स्लैब, देखिए यहां पर रिमार्क में दिया हुआ है रिमार्क, S1 वन वे स्लैब, S2 टू वे स्लैब। तो वन वे स्लैब के लॉन्गर स्पान पर 8 5 लिखा हुआ, यानी कि 8 mm डाया का बार लग रहा है और 7 इंच सेंटर टू सेंटर, यानी कि 175 mm के स्पेसिंग पर लग रहा है डिस्ट्रीब्यूशन बार वन वे स्लैब में। क्लियर, ये लॉन्गर स्पान में। और सेम जब ये टू वे स्लैब हो जाता है तो लॉन्गर स्पान पर भी 10 5 @6 इंच सेंटर टू सेंटर, इसमें 10 mm का ही बार लग रहा है लॉन्गर और शॉर्टर दोनों में। लेकिन वन वे स्लैब है, जो S1 वाला हमारा स्लैब है, इसमें शॉर्टर में 10 mm और लॉन्गर साइड में 8 mm का बार लग रहा है। तो हमने ये रेनफोर्समेंट की डिटेल्स को पढ़ और समझ लिया। क्लियर इंजीनियर। और आगे बढ़ते हैं। अगर आपको और भी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, कौन कौन से पार्ट में वीडियो चाहिए, कमेंट करते जाइए। चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि इसी से हमको उत्साह मिलता है और भी हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहते हैं। और यार एक कमेंट जरूर शेयर करना चाहूंगा, आप लोग बहुत सारे इंजीनियर्स ये बोल रहे हो कि सर ये व्हाइट हेलमेट पहन के अब आप लोग क्यों वीडियो बना रहे हो। यार हम ना एक देखो, इंडिया में लॉयर्स की कम्युनिटी है, डॉक्टर्स की कम्युनिटी है, यहां तक कि ऑटो वालों तक की कम्युनिटी है, लेबर वालों तक की कम्युनिटी है, लेकिन एक कम्युनिटी नहीं है सिविल इंजीनियर्स की। तो हम ये कैप, ये हेलमेट, ये सिविल इंजीनियर्स की आइडेंटिटी है, ये व्हाइट कॉलर जॉब, व्हाइट हेलमेट सिविल इंजीनियर्स की आइडेंटिटी है। और हम पूरे देश भर में ये सिविल इंजीनियर्स की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं और ये रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि व्हाइट हेलमेट यानी कि एक इंजीनियर इस देश के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि डॉक्टर और लॉयर। और क्योंकि आज के टाइम पर सब इंजीनियर्स का मजाक और मीम बनाने से पीछे नहीं हटते, तो इसी वजह से ये सेटअप और ये गेटअप अब एक पहचान बनने जा रही है इस देश के सिविल इंजीनियर्स की, जो कि इस देश को भी आगे बढ़ाएंगे और साथ ही साथ अपने करियर को भी आगे बढ़ाएंगे। चलिए इंजीनियर्स आगे बढ़ते हैं। फोर्थ हमने स्टील डिटेल्स पढ़ ली, अब फिफ्थ हमको इसके क्रॉस सेक्शन को पढ़ना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है भाई स्लैब केस में। तो पेन कॉपी छोड़ दो, अभी ध्यान से यहां पढ़ो, पेन कॉपी लेके फिर से लिखते जाना और मेरे सारे पुराने वीडियोस का भी नोट्स बनाते जाओ। तो क्रॉस सेक्शन डिटेल्स ऑफ स्लैब, इसमें आपको क्या चीज ध्यान देना है कि स्लैब देखिए यहां पर देखिए एंड बीम लिखी हुई है, ये है हमारी बीम, क्योंकि स्लैब बीम से कनेक्टेड होता है, तो ये हमारी एंड बीम, ठीक है, या एंड बीम। सिमिलरली यहां पर भी ये होगी एंड बीम, स्लैब कहीं तो एंड होगा, बीच में कितने भी कंटिन्यू पोर्शन आ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं तो बीम एंड होगी। तो जहां पर भी स्लैब एंड होता है जिस बीम पर जाकर, वहां पर कभी भी क्रैंक रेइंफोर्समेंट आती है, क्रैंक बार जो उस स्लैब पर बनती है, देखिए ऐसे आएगी क्रैंक बार, ये बीम का कवर छोड़ के यहां तक, तो ये जो क्रैंक बार है, क्रैंक का जो डिस्टेंस है वो होगा 0.15 L1, यानी कि L/6 समझ लीजिए आप, ये L1/6। तो L1 क्या है,
ये जो स्लैब है इसका इफेक्टिव स्पान देखिए, बीम के सेंटर से इस बीम के सेंटर तक का डिस्टेंस कहला रहा है आपका L1। ये बीम के सेंटर से इस बीम के सेंटर तक का डिस्टेंस कहला रहा है L1, तो 0.15 L1, तो इसको आप L1 by 6 कंसिडर कर लीजिए। जहां पर स्लैब एंड हो रहा है वहां पर क्रैंक का डिस्टेंस इतना होने वाला है, क्लियर है। अब जैसे बात करते हैं, जैसी सेंट्रल सपोर्ट आता है यानी कि स्लैब कंटिन्यू चलते जा रहा है, तो उस केस पर कैसे रेनफोर्समेंट लगता है ध्यान दीजिए। ये देखिए नीचे से ऐसा चालू हुआ, यहां पर एक क्रैंक हुआ, फिर ये बीम के अंदर गया और दूसरे स्लैब का टॉप एक्स्ट्रा जाकर बन गया। अब भाई कितने टाइप्स ऑफ बार होते हैं स्लैब में, कैसे बार्स लगते हैं, इसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बना चुके, तो यूट्यूब पर सर्च कर लिए वन वे स्लैब, टू वे स्लैब, साइड विजिट स्लैब, मैंने सब बना चुका है, तो आप वहां से जाकर ये सारे रेनफोर्समेंट की डिटेल्स देख लीजिए। आज मैं केवल ड्रॉइंग रीडिंग ही बताने वाला हूं उसमें। तो यहां पर जब भी कंटिन्यूस सपोर्ट आ जाता है तो उस केस पर जहां से ये क्रैंक होती है वो क्रैंक डिस्टेंस 0.25 L1 हो जाता है इस बीम के सेंटर से, 0.25 L1 यानी कि L1 by 4, ठीक है, L1 by 4 हो गया इसका डिस्टेंस जहां पर ये वाली रेनफोर्समेंट क्रैंक होगी, ठीक है, सपोर्ट से बीम के सेंटर से L1 by 4। जैसे ये स्लैब पर पहुंचती है, अभी जो दूसरे स्लैब का टॉप एक्स्ट्रा बन जाती है उस केस पर इसकी लेंथ होगी 0.3 L2 यानी कि L2 by 3 समझ लीजिए, L2 by 3 will be the length of this top extra यानी कि इस बीम के फेस से ये कितना आगे निकलेगी दूसरे स्लैब पर, ये निकलेगी L2 by 3 या फिर 0.3 L2, that is the distance of this top extra जो, लेकिन ये है एक ही बार दूसरे स्लैब में जाकर इसका टॉप एक्स्ट्रा बन रही, क्योंकि यहां पर ध्यान देना है यहां पर L2 हो जाएगा क्योंकि ये L2 इस वाले स्लैब का यानी कि इसके लेंथ का टॉप एक्स्ट्रा बन रहा है, क्लियर है, इसके लेंथ का टॉप एक्स्ट्रा बन रहा है, इसी वजह से L2 by 3। तो इस तरह से बस इतना ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि भाई एंड सपोर्ट, मिड सपोर्ट, एंड में कहां से क्रैंक होगा 0.15 L1, मिड सपोर्ट पे जो क्रैंक डिस्टेंस कहां से होगा इसके सेंटर से 0.25 L1, और दूसरे स्लैब में कितना जाएगा इस बीम के फेस से, ये बीम के फेस से L2 by 3 यानी कि दूसरे स्लैब का लेंथ L2 by 3 ये आगे जाएगा। तो इस तरह से आपको ड्राइंग को पढ़ना है और ड्राइंग को समझना है, क्लियर है। उसके बाद यहां पर देखिए नीचे जो डॉट डॉट है ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन बार लगे हुए हैं, टू वे स्लैब के केस में ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूशन बार आएगा और वन वे स्लैब के केस में जो नीचे जो डॉट लगी है वो भी डिस्ट्रीब्यूशन बार आएगा। ये सारे मैंने उस वीडियो में बताए हुए हैं, आप ध्यान से जाकर पढ़िएगा उन वीडियोस को, आई बटन पर मैं वो वीडियो दे दूंगा। और टू वे स्लैब के केस में ये भी मेन बार हो जाएगी और ये जो डॉट डॉट वाली दिख रही है ये भी मेन बार हो जाएगी टू वे स्लैब के केस में। तो ऑल दिस थिंग्स आर फ्रॉम ड्रॉइंग रीडिंग, ये सारी की सारी चीजें आपको डिटेल पर है। देखो यार सारी चीजें वीडियोज में कवर नहीं की जा सकती, एक सिक्वेंस में एक पैटर्न होता है हर चीज की ट्रेनिंग करने का, हर चीज को समझने का। तो आपको क्या करना है भैया, कॉल करना है 9111001234 पर और कंस्ट्रक्शन ऑफरिंग प्रोसेस 2.0 ज्वाइन कर लेना है। 65% फीस, जब 20,000 उससे ज्यादा की नौकरी लग जाएगी तो ही पे करना, अदरवाइज मत पे करना। इसके साथ साथ आपके लिए और भी स्पेशल बेनिफिट्स है, कॉल एक बार करके मैम से बात करो। 5 महीने का ट्रेनिंग मॉड्यूल है, सारी जानकारी आपको इस ट्रेनिंग मॉड्यूल पर मिलने वाली है। करना क्या है, फोन उठाना है, कॉल लगाना है 9111001234 पर, और उसी के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज सर्टिफिकेशन भी आपको इसके साथ मिलने वाला है, जो कि स्किल इंडिया, NBVT और ISO सर्टिफाइड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है सिविल गुरु जी, और इसी के साथ आप अपने करियर को आगे जरूर बढ़ाइए। सो इंजीनियर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक किए बिना मत जाइएगा, और अपने मन चाहे वीडियोस के टॉपिक नीचे कमेंट जरूर करिएगा। सो इंजीनियर्स, तब तक के लिए नमस्कार, और करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरु जी के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।